अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं बड्स इंफॉर्मेटिव पॉइंट। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बजीज के चिक्स जो हैं वो हेल्दी निकलें और हेल्दी रहें, तो आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप क्या इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने बजीज के जो चिक्स हैं उनको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिल जाएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि आप लोगों को ऐसी बताने वाला हूँ कि जिससे आप बजीज के चिक्स जो हैं उसको हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये होता है कि जो बजीज के जो चिक्स होते हैं वो हेल्थ की वजह से भी वो हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है, अगर आपके बजीज के जो चिक्स हैं, अगर मतलब आप उनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं या कुछ भी लेना चाह रहे हैं, हेल्दी होना उसका ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों, हेल्दी नहीं होगा तो मतलब वो ऐसे ही बड़ा हो गया दोस्तों, या तो उसके बाल नहीं होंगे या फिर और उसके साथ मसले होंगे, या तो वैसे ही मर जाते हैं हेल्थ की वजह से, बहुत कमज़ोर होता है, या हो भी गया तो उसके बाल नहीं होंगे, या मान लें बाल भी आ गए तो दोस्तों वो जब आपको ब्रीड करेगा फिर वो ब्रीड में आप लोगों को तंग करेगा, आप बिल्कुल सारे अंडे ख़राब करेगा अपने, जो भी वो बच्चा होगा जो निकलेगा फिर आप उससे ब्रीड करवाएंगे। दोस्तों, आज मैं अगर आपको जिस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप मेरी बताई हुई चीज़ फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपके जो बजीज के चिक्स हैं वो इतने हेल्दी निकलेंगे। दोस्तों, आप उनका रुआ देख के आपको पता लग जाएगा कि कैसे हेल्दी निकलते हैं। तो दोस्तों, इतने जब पहले शुरू में जब मैंने भी ये स्टार्ट किया था तो दोस्तों मेरे जो बजीज के जो चिक्स हैं दोस्तों इतने हेल्दी निकले थे, इससे इतना मुझे इसके फ़ायदा हुआ था। तो दोस्तों, उसके जो चिक्स हैं वो फिर हेल्थ की वजह से जल्दी भी ग्रो कर जाते हैं। फिर दोस्तों, जो कमज़ोर चिक्स होते हैं फिर वो मटकी में टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं और ऐसे मतलब एक एक दो दो महीने तक लगा देते हैं, फिर बाल भी नहीं आते उनको, फिर वो ऐसे ही मर जाते हैं मटकी में। तो दोस्तों, हेल्दी चिक होना बहुत ज़रूरी है बजीज का, वरना हेल्दी नहीं होगा तो बिल्कुल ख़राब है। और दोस्तों, सबसे पहले मुझे याद है जब मेरे सबसे पहली में कॉलोनी अपनी नई स्टार्ट की थी, उस टाइम मुझे भी कुछ नहीं पता था, 1.5-2 साल पहले की बात है। तो दोस्तों, उस टाइम मेरी पहली ब्रीड निकली थी जो कि 3 बच्चे निकले थे। तो दोस्तों, मुझे इतना इसके बारे में पता नहीं था, तो मेरे जो बच्चे थे दोस्तों वो हेल्थ में उनका बिल्कुल रुआ नहीं आया था, और जब वो आए थे तीनों गंजे थे, तीनों को फैदर प्लगिंग थी, पता नहीं क्या था। दोस्तों, उस टाइम पे तीनों बच्चे जो थे मेरे पास वो मर गए थे थोड़े दिनों के बाद। दोस्तों, अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती बजीज की तो उनके साथ यही होता है, उनकी जो वो होती है क्या कहते हैं, हेल्थ अच्छी नहीं होती तो वो उनका जो मरने का रेशो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर अच्छी हेल्थ का होगा तो दोस्तों उसमें बीमारी जो होगी, अगर उसको चलें फॉर एग्जांपल बीमारी लग जाती है दोस्तों, उसको थोड़ा टाइम तक सह भी सकते हैं, या ठंड है वो भी सह सकते हैं, क्योंकि जो कमज़ोर होगा वो बिल्कुल जल्दी से मर जाएगा। दोस्तों, ये मैं खुद मेरे साथ हो चुका है तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ ये मैंने खुद इस्तेमाल की भी, और इससे मेरे भी बजीज पेरेंट्स के जो चिक्स हैं उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो अब बहुत से देखें, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोगों ने करना क्या। दोस्तों, मैंने भी आज किया हुआ है वही, मैं सुबह अपने तो बजीज को भी डालूंगा वो। दोस्तों, आपने लेने काले चने, दोस्तों जो काले चने होते हैं वो आप लोगों ने ले लेने हैं, और दोस्तों आप लोगों ने उसको भिगो देना है पानी में। दोस्तों, भिगोना कितनी देर के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने काले चने लेने, उसको रात को भिगो देना है आपको सोने से पहले। दोस्तों, भिगो के मतलब आप अपने हिसाब से देख लें, जितने आपके पेयर हैं उतने आप भिगो दें पानी में,
दोस्तों आप भिगो के सुबह जब आप उठें दोस्तों, सुबह उठने के बाद मतलब 8-9 बजे तक आप अपने भजी पैलेट को वो चने डालें। लेकिन दोस्तों आपने हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये देना है। अगर आपको अपने भजी पैलेट से जो चिक्स हैं अगर आप चाहते हैं कि वो अच्छी ब्रीड करें अच्छी से अच्छी, तो दोस्तों 2 दफ़ा तो कम से कम देना है। ये बहुत ज़्यादा तो 3 दफ़ा, इससे ज़्यादा ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देने के चक्कर में ज़्यादा देंगे तो दोस्तों वो भी नुकसान दे। तो इसलिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आपने देना है, मतलब रोज़ रोज़ भी नहीं देना, एक दिन छोड़ के हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप दे सकते हैं। इससे आपके जो बजीर के दोस्तों चिक हैं वो इतने हेल्दी निकलेंगे, मतलब एग में से जो बच्चा निकलेगा छोटा जो होता है एक दिन का दोस्तों, वो भी हेल्दी होगा और उसकी ग्रोथ आप देखेंगे बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ेगी। तो दोस्तों आपने मेरी वीडियो देखी होगी, वो मैंने बनाई थी सॉफ्ट फूड के ऊपर, उसमें मैंने उसमें बताया था कि आप बजीज को क्या क्या सॉफ्ट फूड दे सकते हैं, वो भी बजीज शौक से खाते हैं। तो दोस्तों आप ये एक चीज़ भी दे सकते हैं, ये चीज़ है ये, अगर आप अपने बजीज पैट की चिक्स अच्छे देखना चाहते हैं ना वो भी देते रहें सॉफ्ट फूड, और ये जो है ये भी अगर आप देना चाहते हैं ये भी दें। और भुट्टा जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है, भुट्टा भी दोस्तों वो भी बहुत बेहतरीन चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को कहूँगा। तो दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।